सिवान में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और खुलेआम अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। आज फिर बेखौफ अपराधियों ने बैंक मैनेजर को ड्यूटी जाने के दौरान बाइक लूटने के क्रम में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दौरान नगद रुपये और मोबाइल लूटकर आसानी से फरार हो गए। हालांकि अपराधी बाइक लूटने में सफल नहीं हो सके। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के समीप की है। बताया जाता है कि महादेवा ओपी निवासी नई बस्ती के कन्हैया प्रसाद, जो गुटनी के क्षेत्र टेकनिया गांव में उत्तर ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक में बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, वे बाइक से अपने बैंक ड्यूटी जा रहे थे। तभी रास्ते में ओवरब्रिज के समीप बाइक सवार दो अपराधियों ने बाइक लूटने के क्रम में मैनेजर कन्हैया को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इसी क्रम में अपराधी ने नगद रुपये और मोबाइल छीनकर आसानी से फरार हो गए हैं। हालांकि वे बाइक लूटने में सफल नहीं हो सके। स्थानीय लोगों ने उन्हें गंभीर हालत में सिवान के सदर अस्पताल लाया, जहां उनका इलाज चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। जा रहे थे बैंक, वहां पौने दस हो रहा था। उसी समय अपाची गाड़ी से दो आदमी, जिसका उम्र 20 वर्ष के आसपास है, वो आगे से घेर लिया मेरे बाइक। कितने लोग थे? दो थे। और उसके बाद वो जो है सो उसके बाद वो पिस्टल निकाले, चाकू निकाले, और हम समझे कि बाइक तो बाइक गिर गई। उसी दरमियान जो है चाकू मारना शुरू कर दिया, और उसके बाद बैग मोबाइल वगैरह ले करके, पॉकेट में पैसा था उसको भी अपना ही। बाइक भी ले गए हैं? बाइक नहीं है, बाइक वहीं पे है बाइक। हाँ, तो बाइक छोड़ कर भाग गए वो लोग? हाँ, बाइक वो अपना बाइक नहीं, मेरा बाइक। आपका बाइक छोड़ कर भाग गए? हाँ। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा जतऊ जा रहे थे। अच्छा। घटना कहाँ पर? करछुई के आगे जो ब्रिज है, लक्ष्मीपुर ढाला, वो चढ़ने के दरमियान उन्होंने घेर लिया। ठीक है, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे? क्या करें, प्रशासन अपना का सख्ती से पता लगावे और सुरक्षा, बैंक की सुरक्षा पर ध्यान दे, यही न कहेंगे। अपना नाम बता दीजिए। कन्हैया प्रसाद।